हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो सुबह सुबह ये ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज है दिन संडे का और आप लोग देख सकते हैं सुबह का नज़ारा अभी जिस तरह का है हमारे यहाँ कोलकाता में। तो अभी तो बहुत ही अच्छा सा धूप निकला हुआ है, हवा चला रही है मस्त वाली। तो इस सीज़न में एकदम पता नहीं चल रहा है कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी। तो हमारे यहाँ पे कुछ दिन से ना लगातार बारिश हो ही रहा है, किसी भी टाइम पे हो जा रहा है, लेकिन गर्मी भी उसी तरह का है। जैसे कि बारिश होता है तो थोड़ा सा ठंडा करता है वेदर, बट यहाँ पे मौसम एकदम ठंडा नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी कर दे रहा है जैसे ही बारिश हो रहा है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और चाय बनाऊँगी साथ में। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है ओट्स, तो मैं मसाला ओट्स बना रही हूँ आरब के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उसके लिए मैं ज़्यादातर ओट्स ही बनाती हूँ या तो कभी कभी चीला भी बना देती हूँ। और आज छुट्टी है, आज संडे है। ये वीडियो एक्चुअली आप लोग को थोड़ा सा लेट से मिलेगा, तो संडे का दिन है इसलिए सब कोई घर में ही है और आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह आज हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही निश्चिंत हूँ मैं, एकदम हड़बड़ी नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने चाय चढ़ा दिया है और नाश्ता तो मैं कुछ नहीं बनाई आरब के लिए, बस ओट्स बनाई और हम लोग बस चाय पियेंगे, बिस्किट लेंगे और थोड़ा सा स्नैक जो है घर में उसे निकालेंगे। तो चाय हमारी बन गई है, गर्मा गर्म चाय आई है, आप लोग भी पी लीजिए। और अभी चल रहा है टीवी, तो टीवी में चल रहा है कार्टून और अभी मैं चाय लेके आ रही हूँ और सब हम लोग बैठ के पियेंगे चाय, इंजॉय करेंगे। और आज संडे है तो आज मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा कुछ स्पेशल करूँगी, बट अभी नहीं, शाम के टाइम में करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है। इसलिए अगर वीकेंड में कुछ बनाना होता है तो मैं ज़्यादातर शाम के टाइम में ही बनाती हूँ, तो शाम में ही बनाऊंगी। आप लोग एंड तक देखिए, आप लोग प्लीज मिस मत करिएगा, जरूर से जरूर देखें। और चाय वगैरह होने के बाद देखिए, सारे बर्तन को मैं क्लीन कर दे रही हूँ लगे हाथ। और जैसे कि पिछला वाला ब्लॉग में आपने देखा था, हम लोग सिटी सेंटर 2 गए थे तो वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग किया था, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये है वो मैं जो ली हूँ और ये है क्रॉकरी जो कि मुझे बहुत टाइम से लेने का मन था ये सेट का। और ये ना एकदम सा मेरे किचन से बहुत ही अच्छा मैच हो रहा था तो मैंने रेड कलर का ही लिया है। और इस तरह का ये बड़ा साइज़ का बाउल देख सकते हैं आप लोग, ये 6 पीस है। तो सबको अलग अलग से लेना पड़ा है, मैं अलग अलग से ही ली हूँ और 6 मैंने प्लेट लिया है और 6 बाउल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ना हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, इसका क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट है पूरा के पूरा, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं उठा हुआ है, तो इसे आराम से रोटी वगैरह हम लोग खा सकते हैं। और ये मैंने एक बॉटल लिया है और 3 इस तरह का बॉक्स लिया है जो कि छोटा मोटा चीज़ को मैं स्टोर करके इसमें रख सकती हूँ, इसलिए लिया है। तो काफ़ी अच्छा रेट में मुझे मिला, सुपर 99 में मैं गई थी और वहीं से मैंने ये परचेस किया था, तो बहुत अच्छा लगा। और प्लेट और बाउल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम से मुझे इस तरह का लेना था। और संडे के दिन हमारे यहाँ पे डस्टबिन वाले भैया नहीं आते हैं, तो संडे के दिन हमें इस तरह से कचरा को नीचे ही रखना पड़ता है। तो मैं बाहर जा रही थी तो सोची कि क्यों ना लेके चलते हैं, तो मैं वही लेके आई हूँ। और बाहर में हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली शूज़ लेने के लिए, मैं अपने लिए नहीं, राहुल लेगा अपने लिए, तो उसको उस दिन पसंद नहीं आया था बाटा में, तो अभी मैं लोकल में ही देख रही हूँ, अगर उसे पसंद आ जाएगा तो फिर ले लेगा वो, तो उसके साथ मैं जा रही हूँ, वो अकेले जाने नहीं खोज रहा था। और मार्केट से हम लोग घर आ गए हैं और ढेर सारा कपड़ा जो है एक साथ जमा हुआ था, क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है, अभी सावन आने वाला है बोल के जितने भी कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे, मतलब थोड़ा बहुत हल्का हल्का पहने हुए थे, तो सबको मैं वॉश कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि सावन चढ़ता है ना, सावन जब से पूर्णिमा चढ़ जाता है उसके बाद से हम लोग नॉनवेज वगैरह एकदम बंद कर देते हैं और एकदम फ्रेश धुले वाले कपड़े वपड़े सब रखते हैं, किचन वगैरह सब क्लीन करते हैं। तो मैं किचन क्लीनिंग का वीडियो कोशिश करूँगी कल लाने का।
तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और शाम का टाइम में मैं अभी स्पेशल बना रही हूँ। लंच वाला मैंने स्किप कर दिया, आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया था। तो अभी देखिए मैं बना रही हूँ पानी पूरी। तो एक तरफ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ मैं मसाला भून रही हूँ। तो जीरा, भुना हुआ जीरा का मसाला बनाऊँगी, और थोड़ा सा मैंने धनिया को भी भून लिया है। तो ये दो मसाला ना बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी में, आलू का मसाला में। और यहाँ पे देखिए मैं मूंगफली को भी थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि आलू का मसाला में मैं मूंगफली भी डालने वाली हूँ। तो फटाफट से करते हैं मूंगफली को फ्राई। और आज ना एकदम सबके मुंह में अभी से पानी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पानी पूरी का नाम सुन के किसी का भी मन एकदम ललचा जाता है। और हमारे घर में ना सबको पानी पूरी बहुत पसंद है, बस हस्बैंड को छोड़ के। हस्बैंड भी खाते हैं, बट उतना ज़्यादा मन से नहीं खाते हैं। और एक तरफ देखिए हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज लगे हाथ थोड़ा सा प्याज ही भी बना दूँ। तो वही वो स्लाइस स्लाइस करके इस तरह से प्याज को कटिंग कर दे रहे हैं, मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जा रहा है। क्योंकि ना पानी पूरी बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे तामझाम रखता है, क्योंकि मसाला आपको रेडी करना पड़ता है, उसके बाद पानी उसका बनाना पड़ता है। ऐसे तो पानी पूरी का चिप्स मैं लेके आई हूँ, चिप्स वाला ही बनाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा, बोल के मैं चिप्स वाला ही खरीद के लाई हूँ। बस हस्बैंड नहीं, बेटा भी मेरा बहुत हेल्प कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आलू छिल रही हूँ और वो आलू को मैश कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश है, उसको भी पानी पूरी बहुत पसंद है। क्या बन रहा है? अरब एक्चुअली पानी पूरी का जो चिप्स होता है बस वही खाता है, और उसमें ना ही आलू डाल के खाएगा ना पानी, तो मैं ऐसे भी नहीं देती हूँ, नहीं खाता है वो खट्टा वाला चीज कुछ भी, बट चिप्स वो बहुत अच्छे से खाता है, उसको बहुत पसंद है, कोई भी चिप्स आप दे दो तो इसलिए वो भी खुश है। मतलब उसको दिमाग में डाल दिए हैं कि वो आज पानी पूरी बनने वाला है, तो उसको इंटरेस्ट है बस चिप्स में। और आज बरी है कि हम लोग सब साथ मिल के जैसे कि एक साथ कर रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं और खा भी रहे हैं। कल से तो फिर ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से मतलब सब कोई अपने अपने काम में रहेंगे, तो इसलिए इस तरह का होता है ना सैटरडे संडे को, अच्छा लगता है कि सब परिवार मिल के थोड़ा हम लोग इंजॉय करते हैं इस तरह से। और मैं किस तरह से बना रही हूँ आलू मसाला, आप लोग देख सकते हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है, उसमें मैंने कटी हुई प्याज डाला है, मूंगफली डाला है, भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है 1 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी रेड चिल्ली का पाउडर, उसके बाद इसमें चाट मसाला मैं डालूंगी, और नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें डालूंगी लेकिन एंड में डालूंगी। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है, और आलू बहुत ज़्यादा गर्म है, घोल के मैं थोड़ा इस तरह से मिला रही हूँ। और ये देखिए अभी मैंने डाला नींबू का रस, तो आलू मसाला हमारा रेडी है। और ये पानी देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और जो इमली था उसका पल्प मैंने निकाल लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, रेड चिल्ली पाउडर, और धनिया का जो पाउडर था मैंने पीस के रखा था धनिया को, वो मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं डालूंगी भुना हुआ जीरा। ऐसे तो मैं धनिया पत्ता और इमली को मिला के ही उसका पानी बनाते हूँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन वो था नहीं बोल के मैं बस इमली का ही पानी बना रही हूँ। धनिया पत्ता पूरे मार्केट में नहीं मिला, भूल के मैं नहीं ऐड की हूँ, बस इमली का जो था घर में मैं उसी को डाल दे रही हूँ। तो ये पानी भी ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है, नमक भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, काला नमक और सादा नमक। और लास्ट में इसमें ना आप लोग थोड़ा बूंदी ऐड कर दीजिए, इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं था, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो आइए फटाफट से अपने पानी पूरी को भी तल लेते हैं। तो ये तो सबसे इजी काम है, ये फटाफट से हो जाते हैं, वरना आटा गूंथ के फिर बेलो फिर सेको, उससे अच्छा है कि आप रेडीमेड मार्केट में आजकल इतना कुछ अवेलेबल है कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग मार्केट जाएँ, चिप्स या कुछ भी बनाना होगा तो आप लोग को मिल जाएगा मार्केट में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है हम लोग के लिए, हम हाउस वाइफ के लिए, कि हम लोग का थोड़ा सा टाइम बच जाता है और हम लोग आराम से इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो इसमें राहुल मेरा हेल्प कर रहा है, और हम लोग दोनों ही मिलके यहाँ पे तल रहे हैं पानी पूरी। और पानी पूरी जैसे ही तलना हो जाएगा उसके बाद मैं बनाऊंगी प्याजी, तो गर्मा गर्म मैं प्याजी बनाऊंगी लास्ट में, क्योंकि ये भरने में भी टाइम लगेगा। तो जब तक इसमें आलू मसाला भरा जाएगा तब तक हमारा प्याजी जो है वो बन के रेडी हो जाएगा।
तो ये देखिए ये सारे चिप्स को ऑलमोस्ट मैंने छान लिया है। और सारे पानी पूरी को मैंने तल लिया है, तो मैंने बहुत सारा पानी पूरी तला है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं प्याजी एक तरफ चढ़ा दी हूँ, तो प्याजी में मैंने ढेर सारा डाला हुआ है प्याज स्लाइस कर करके, उसमें बेसन डाला है, मसाला थोड़ा सा ऐड किया है बेसिक मसाला, और मिर्च डाला है। तो ये जो देखिए आप लोग प्याजी जो गर्मा गर्म क्रिस्पी करके मैं थोड़ा इसे तलूंगी अच्छे से, और ये हमारा संडे स्पेशल स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। जिसको जिसको खाना है आ जाए हमारे घर पे, और ये हम लोग सबको इंजॉय कर रहे हैं बैठ के पानी पूरी। दोपहर के टाइम में ये देखिए फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया हुआ है, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था अपने किचन के लिए। मैं सोची अपने किचन को थोड़ा लुक चेंज किया जाए, थोड़ा सा बदला जाए, तो उसके लिए मैंने कुछ मंगवाया था। क्या मंगवाया है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो एक्चुअली ये ना दोपहर के टाइम में ही आया हुआ था, तो मैं उस टाइम पर नहीं खोली थी, तो अभी मैं खोल रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा 12 पीस का मैंने कंटेनर मंगवाया था अपने किचन के लिए, और ये एकदम सा ना मैं जैसे ही खोली ना मैं एकदम खुश हो गई, क्योंकि पहली बार मैं कुछ मंगाई हूँ और मेरे लायक का मुझे मिला। और ये देखिए ये कितना शाइन कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टोटल ना 12 पीस का है, ब्लैक में मैंने मंगवाया है, इसका जो कवर है ब्लैक में है, बहुत टाइप के कलर एक्चुअली था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पसंद का ये निकला। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगली बार आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक